बियर पीने से बॉडी बनता है। दोस्तों ये जो कहावत है ना बहुत ही फेमस है, जिम जा रहे हैं तो आपका दोस्त आपके जो ट्रेनर है वो हमेशा बोलता रहता है कि भाई जिम कर रहा है तो बॉडी चाहिए तो बियर पीना पड़ेगा, बियर पीने से आपका बॉडी बन जाता है। तो क्या इसमें सच्चाई है, क्या असल में, क्या सच्चाई में बियर पीने से हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है? और मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा क्या ये बात में सच्चाई है या नहीं। इंडिया, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित नेचुरल बॉडीबिल्डिंग। मैं हूं एक नेचुरल एथलीट एंड एक फिटनेस मोटिवेटर। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम ऐसे फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कंपैरिजन वीडियो और वर्कआउट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमेशा आप लोगों के लिए लेके आते हैं। बियर से बॉडी बनता है, इससे पहले हम जान लेना चाहिए कि बियर कैसे बनता है। तो बियर में होता क्या है, बियर में होता है वाटर, 80% वाटर। अगर आप एक बियर का बोतल लाएंगे तो उसमें 80% जो है उसमें वाटर ही होगा, और 20% क्या है, 20% है उसमें माल्टेड बार्ली एंड मिक्सचर ऑफ कॉर्न एंड व्हीट, ये जो जितना भी आपका होल ग्रेन है ना उसका जो मिक्सचर है उसका ब्लेंड इसमें डाला गया होता है। तो इन सारे चीजों को एक जगह पे, एक बाउल पे, कंटेनर पे उसको गरम किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, यीस्ट को डाल के उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, और बाद में ये जो बियर है ये बनता है। अगर मैं बियर में अल्कोहल का परसेंटेज बोलूं तो उसमें लगभग 6-7% ऐसे कुछ अल्कोहल रहता है। तो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कुछ बैन सब्सटेंस या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस नहीं डाला जाता है, जो देसी ग्रेन से जो माल्टेड बार्ली है उसी से ही ये फर्मेंटेशन के बाद ही बनाया जाता है। टू, अब देखते हैं कि इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल क्या है। दोस्तों अगर आप एक कैन बियर, मतलब एक छोटा सा कैन बियर जो 356 ग्राम का हो, एक आपको कार्बोहाइड्रेट 13 ग्राम मिलेगा और प्रोटीन 1.6 ग्राम मिलेगा और फैट 0, मतलब ना के बराबर मिलेगा, और उसमें आपको मिनरल्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन B6, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और न्यूट्रिशन प्रोफाइल के हिसाब से आपको कैलोरी 154 मिलेगा जो कि मॉडरेट है। अब मुद्दे पे आते हैं कि मसल्स गेन इससे होता है या नहीं। दोस्तों मसल्स गेन के लिए हमें चाहिए कैलोरीज, ठीक है। मसल्स हमें गेन करना है तो हमें चाहिए मोर कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा। तो और उसके साथ साथ उसमें प्रोटीन होना चाहिए, अच्छा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और हेल्दी फैट होना चाहिए। तो ये सारे चीज क्या इसमें मौजूद है? नहीं दोस्तों। मगर हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको विटामिन्स थोड़ा सा मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे कोई भी इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऐसा नहीं है जो कि आपका मसल्स बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप सोच रहे हैं इसमें तो भाई प्रोटीन है 1.6 ग्राम तो हम ज्यादा से ज्यादा पी लेंगे तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा फुलफिल हो गया, नहीं, आप कितना पी लेंगे यार? सेफ लिमिटेशन है 355 ml। ज्यादा अगर आप ओवरडोज करेंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, जैसे कि बताया 6-7% अल्कोहल इसमें है। लिमिटेशन के बाद जाकर अगर आप ये कंजप्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके हेल्थ को खराब करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स को अगर हम समझेंगे अच्छे से, जितना मैंने बताया, इनमें से कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा बॉडी इसमें ग्रोथ करेगा, हमारा मसल्स इसमें ग्रोथ करेगा। ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर सकता है आपके जो जैसे कि बताया कि आपका मिनरल्स को फुलफिल करता है, आपका बोन को स्ट्रांग बनाता है, तो ये इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है, मगर मसल्स ग्रोथ करेगा यहाँ कोई भी स्टडीज में नहीं पाया गया है कि बियर पीने से डायरेक्टली आपका मसल्स ग्रोथ होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ न्यूट्रिशन है ही नहीं जो आपका मसल्स को डायरेक्टली ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो दिमाग में यही रखना है कि मसल्स ग्रोथ के लिए हमें चाहिए प्रोटीन, जो अच्छा क्वालिटी प्रोटीन है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स है, हेल्दी फैट्स है, तो यहाँ पे ये मिसिंग है और ये चीज आपको कभी भी बॉडी नहीं दे सकता है। तो मार्केट में जितना भी मिथ है ना, भाई बियर पीने से बॉडी बनेगा, अगर बॉडी बनाना है तो बियर पी, तो ये बात बिल्कुल ही कही कहावतें हैं, बिल्कुल मिथ है। एंड ऑफ द टॉपिक में ये कहना चाहता हूँ कि मैं बियर को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पी रहे हैं तो ओके, नहीं पी रहे हैं तो गुड, वेरी गुड। अगर भी पी रहे हैं तो लिमिटेशन के गाइडलाइन को फॉलो करके आप पी सकते हैं। कोई भी चीज को अगर आप मॉडरेट या अगर एक लिमिटेशन पे आप इस्तेमाल करेंगे तो वो हेल्पफुल होता है, वो आपके हेल्थ के लिए सही होता है। अगर कोई भी चीज को आप अपने लिमिट के बाहर यूज करें तो वो क्यों, प्रोटीन भी क्यों ना हो, मल्टीविटामिन क्यों ना हो, पानी क्यों ना हो, वो भी खराब हो जाता है, ये सभी को पता है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो में कुछ आपको जानने के लिए मिला हो। तब तक हेल्दी रहे, फिट रहे, मसल्स ग्रो करता रहे, फिट रहिए।